क्या आपको मालूम है ये मोटी मछलियाँ सोती कैसे है और अकेली सोती है या नहीं? देखिए, समुन्द्र में एक मोटी मछली नहीं बहुत सी पाई जाती है और सभी अपने अपने तरीके से अलग अलग सोती है। जैसे कि कैटफिश पूरी फैमिली के साथ झाड़ियों में ठहर कर सोती है और पैरटफिश अपनी खुद की चिपचिपी लार में लिपट कर सोती है ताकि पैरासाइट्स इससे दूर रहे। लेकिन शार्क के साथ मामला पूरा अलग है। शार्क को जिंदा रहने के लिए लगातार तैरना पड़ता है ताकि लगातार पानी इसके गिल्स में जा सके और ये ऑक्सीजन ले सके, इसलिए ज्यादातर शार्क तैरते तैरते सोती है। वैसे शार्क के सोने का कोई समय नहीं है, ये दिन में कभी भी और पूरे दिन भर रेस्ट पीरियड में रहती है। कुछ मछली सोने के लिए धीमी हो जाती है और सतह पर रुक जाती है और वही कुछ रेत के नीचे दफन होकर भी सोती है। लेकिन सभी मछलियों में एक चीज कॉमन है कि आंखें खोलकर सोती है क्योंकि इनके आईलिड्स नहीं होते। अगर आप मछलियों के जैसे आंखें खोलकर सो गए तो जागने पर शमशान घाट पाओगे।